हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन, जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, लखीमपुर खीरी वाला केस हुआ था और वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो उसका कॉग्निजेंस ले लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बोला था कि भैया हाँ, यूपी कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, यूपी की पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने एक एक रिकमेंडेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों ना लखीमपुर खीरी वाले केस में कोई एक्स जज, फॉर्मर जज, जो कि यूपी का जज ना रहा हो, ना यूपी से वो बिलोंग करता हो, वो इन्वेस्टिगेट करे। जब ये बात कोर्ट ने सामने रखी तो यूपी के रिप्रेजेंटेटिव जो है हरीश साल्वे, जो उनको बेसिकली यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे लखीमपुर खीरी वाले केस में, उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ये हमने पढ़ा था डे फॉर यस्टरडे। और फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि यूपी वाले केस में, यूपी के लखीमपुर खीरी वाले इंसिडेंट वाले केस में, अब एक्स जज जो कि पंजाब हाई कोर्ट के हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि उन एक्स जज का नाम क्या है, ठीक है, बट हमें से एक चीज पता लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था, मतलब खुद से ही ये इशू अपने अपने हाथ में ले लिया था। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी भी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है, और उस एसआईटी में 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एनुअली एक सर्वे कंडक्ट कराती है स्कूल में इनरोलमेंट को लेकर, कि स्कूल में कितना इनरोलमेंट हुआ, कितने बच्चों के एजुकेशन इम्पार्ट हुई, किस स्टेट में कितना परसेंटेज हुआ, किस स्टेट में डिक्रीमेंट आया, किस स्टेट में इंक्रीमेंट आया। तो 2021 का सर्वे हुआ, फॉर द ईयर ऑफ 2020-2021 का सर्वे हुआ, और उस रिपोर्ट का जो नाम है वो है ASER, जिसको हम बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021। और उस रिपोर्ट में सामने आया कि देखा जाए तो हम ये बाद में करेंगे कि बच्चों का एजुकेशन इम्पार्ट सही तरीके से हुई या नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है, प्राइमरी इशू तो ये सामने निकल के आया कि जो एनरोलमेंट है ड्यूरिंग द पैंडमिक वो गिर गया। बच्चे जब स्कूल में दाखिल ही नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिली होगी या नहीं मिली होगी, है ना। तो ये बताया गया रिपोर्ट में कि एनरोलमेंट भी बहुत लेवल तक, बहुत परसेंटेज तक गिर गया है ड्यूरिंग द पैंडमिक। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब हमने 76,000 हाउस होल्ड में सर्वे किया, 6 से 14 साल की जहां बच्चे हैं, उसमें ये पता लगा कि 92% ऑफ दी बच्चे, उनके पास सिर्फ द सोर्स ऑफ एजुकेशन या सोर्स ऑफ लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक है, उनके पास और कोई अदर सोर्स नहीं है, उनके पास ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, पैंडेमिक के समय ऑनलाइन क्लासेस चली थी, ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट हुआ था, तो कुछ स्टेट ने तो चीजें संभाल ली थी, है ना। अब जैसे स्टेट, जैसे कि केरला की हम बात करें, तो केरला में 91% ऑफ दी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन उनको मिल रही थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 80% ऑफ दी बच्चों को एजुकेशन मिल रही थी, लेकिन वही बात हम अगर बिहार की करें तो वहां पर 10% बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा मिला है, या ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, फायदा तो अलग बात है, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, और वहीं वेस्ट बंगाल में 13%। तो डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है स्टेट में, ये रिपोर्ट में सामने निकल के आया। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, चलो, न्यू लॉ, न्यू पाकिस्तान लॉ अलाउज जाधव टू फाइल अपील। अभी है क्या, पहले अपन समझते हैं, जब तक ये पूरा इशू समझ में नहीं आएगा तो हमें ये नए लॉ के बारे में समझने की, पूरा अगर इशू समझ में आ गया तो नया लॉ तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा है क्या। ये बात है अप्रैल 2017 की, एक पर्सन थे कुलभूषण जाधव, इंडियन सिटीजन, जो कि फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर भी रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया बाय द पाकिस्तान ऑफिशियल्स और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उनको फिर कहां लाया, डिपोर्ट नहीं, उनको कहां ला दिया गया, पाकिस्तान में लाया गया, और पाकिस्तान में उनके ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए, एक एस्पियनेज के और टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उनको डेथ पेनल्टी दे दी। जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता लगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि हमें उनसे मिलना तो चाहिए, हमारे इंडिया का डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में बैठा है वो उनसे जाके मिलेगा तो, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेट्स, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स को, इंडिया के हाई कमिश्नर को मिलने नहीं दिया गया
कुलभूषण जाधव से, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया था। अब ये बात दो कंट्रीज की बात है, दो कंट्रीज के डिस्प्यूट की बात है, तो ये बात इंडिया ने क्या करी, इंडिया ने आईसीजे में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये बात रखी कि दो पॉइंट है, इंडिया ने दो पॉइंट रखे। पहला पॉइंट रखा कि देखो कुलभूषण जाधव हम डिनाई नहीं कर रहे, कुलभूषण जाधव इज ए इंडियन सिटीजन और उनके ऊपर आपने एस्पियोनेज और टेररिज्म का चार्ज लगाया है और उस बेसिस पर उनको डेथ पेनल्टी दे दी, लेकिन हमें उनसे मिलने तो दिया जाए, हमें पता तो लगे कि उनने ऐसा क्यों काम किया, या फिर उन्होंने किया भी कि नहीं किया, क्या बस इंडिया ने तो आप उनको फांसी सजा दे दोगे। और दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा कि देखो ये पनिशमेंट जो दी है वो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने दी है, तो अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन होता और पाकिस्तान के सिटीजन को अगर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट पनिशमेंट देती तो क्या उसके पास राइट है कि वो अपील कर सकता है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़े कोर्ट में? तो पाकिस्तान ने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि फिर भाई आप कुलभूषण जाधव को क्यों मना कर रहे हो अपील करने से अगेंस्ट हिज डेथ पेनल्टी इन द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? तो इस बात को लेकर आईसीजे ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोला कि आप इंडियन अथॉरिटीज को एक तो काउंसलर एक्सेस दीजिए, कुलभूषण जाधव के फैमिली मेंबर्स भी उनसे मिल सकते हैं, इंडियन डिप्लोमैट्स इंडियन ऑफिशियल्स भी मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ कुलभूषण जाधव को आप राइट टू अपील का भी राइट दीजिए। और जिसके लिए पाकिस्तान के पास कोई लॉ तो था नहीं, क्योंकि इंडियन सिटीजन की पाकिस्तान सिटीजन की तो लॉ है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए कोई लॉ नहीं था क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ पहली बार हुआ। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कल पाकिस्तान ने एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उस एक्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बिल का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। और इस बिल में अब कुलभूषण जाधव के पास राइट है कि वो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के थ्रू जो उनको पनिशमेंट मिली थी, डेथ पेनल्टी मिली थी, वो उस डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सो हमें जो पढ़ना है लॉ वो क्या है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। चलो विल मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज, व्हाट हैपेंड। ये बात है संजीव बैनर्जी की, संजीव बैनर्जी जिनका अभी बहुत बड़ा इशू बन चुका है, अब वो इशू इसी वजह से बना है, इस पर आज एडिटोरियल भी इसको हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि संजीव बैनर्जी पहले से इंसान है जिनको मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट, एक बड़े हाईकोर्ट से छोटे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, नहीं ऐसा, ये पहले इंसान नहीं है, एक और इंसान हो चुके हैं और उनके साथ भी वही हुआ था, उनको भी मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया था और वो भी सीजे थी, बस डिफरेंस ये है कि ये मेल है वो फीमेल थी, है ना। तो वही हुआ, तो कल हुआ क्या, तो कल उनका लास्ट डे था मद्रास हाईकोर्ट में, तो उन्होंने यही बताया कि देखो मद्रास, हम हाईकोर्ट की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट में फ्यूडल कल्चर है, फ्यूडल कल्चर का मतलब है कि लोग एक दूसरे, एक वहां पर एक ग्रुप ग्रुप्स बने हुए हैं और ग्रुप्स में फ्यूड है, दरारें पड़ी हुई है, यूनिटी नहीं है मद्रास हाईकोर्ट में बार्स के मेंबर्स में, लॉयर्स के बीच में, एडवोकेट्स में, जजेस में। और उन्होंने बोला कि मैं रिग्रेट करता हूं कि मैं इस 10 मंथ के अपने टेन्योर में जब मद्रास हाईकोर्ट में रहा तो वो फ्यूडल कल्चर को मैं हटा नहीं सका मद्रास हाईकोर्ट से, और वो विदाउट एनी फॉर्मल फेबल वो मेघालय हाईकोर्ट चले गए, मद्रास हाईकोर्ट से निकल गए वो। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो व्हाट हैपेंड, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक इशू रेज किया, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल है, और पिटीशन फाइल है किसको, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल के इशू को लेकर कि भाई कि कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सिंपल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताओ कि जुडिशियल कैपिटल का मतलब क्या है, आप डिफाइन तो करो, और आज तक किसी स्टेट ने, इंडिया में आज तक किसी स्टेट ने जुडिशियल कैपिटल की डेफिनेशन तो है ही नहीं, तो आप बताइए तो भाई जुडिशियल कैपिटल का मतलब क्या है। मान लो कि जुडिशियल कैपिटल आपने कुरनूल बना दिया, इसका इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का तो हमें पता है कि भाई लॉ वहां बनेगा, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, वहां लॉ बनाया जाएगा, वहां पर एमपीज एमएलएज मिलेंगे, एमएलएज मिलेंगे, लेकिन ये जुडिशियल कैपिटल का मतलब क्या है कि कोर्ट तो कहीं भी वर्क कर सकता है, तो जुडिशियल कैपिटल बनाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा स्टेट गवर्नमेंट से कि आप पहले बताइए, और उस बेसिस पर जो काउंसिल है इंडिपेंडेंट काउंसिल ने बोला कि भाई स्प्लिटिंग द कैपिटल जो है इनटू 3 कैपिटल्स वो अनजस्टिफिएबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूविंग फर्दर, जब हम इंडिया की बात करते हैं और इंडिया में एक सिटी की बात करते हैं बनारस की, तो बनारस से हमें दो चीजें सामने आती है, एक तो बनारस के घाट और दूसरा हमें याद आता है क्या, बनारसी साड़ी।
और बनारसी साड़ी जो होती है वो सिल्क से बनती है, और बेसिकली वो हैंडमेड होती है। और इंडिया के हैंडलूम सेक्टर में इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा नाम है, जीआई टैग भी मिल रखा है। लेकिन जब हम बनारसी साड़ी की बात करते हैं तो बनारसी साड़ी में सिल्क लगता है, तो सिल्क मिलता कहां से है? तो बनारसी साड़ी का कल्चर धीरे धीरे अब गिरने लगा। अब गिरने इस वजह से लगा क्योंकि बनारस में सिल्क नहीं मिल रहा था, और सिल्क जो है वो कहां से आता था? कर्नाटका से आता था। वहां पर एक मिल खुली हुई थी, सिल्क मार्केटिंग ऑफिस खुला हुआ था, जहां से डायरेक्टली बनारस के जो हैंडीक्राफ्ट मेकर्स है, सिल्क साड़ी मेकर्स है, उनको डायरेक्टली सिल्क मिलता था। लेकिन वो 2002 में बंद कर दिया गया कर्नाटका का सिल्क मार्केटिंग ऑफिस। और फाइनली कल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और डिसीजन लिया है कि भाई बनारस में वो लोग जो 2002 में हमने जो मार्केटिंग ऑफिस बंद किया था, सिल्क मार्केटिंग ऑफिस बंद किया था, वो हम खोल देंगे इन द सिटी ऑफ वाराणसी, टू रिवाइव दी कल्चर, टू रिवाइव दी इंडियन कल्चर। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे पास दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट ट्रांसफर एज अ पनिशमेंट, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट मोर अ प्राइवेट सेक्टर प्रीमियर देन अ हेल्थ केयर पाथवे। अब ये बोलना क्या चाहता है, ये है क्या? देखो, अगर हम बात करें तो जो सो फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट एडिटोरियल, हमारा जो पहला एडिटोरियल है, पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे कि है क्या ये। देखो, हुआ ये कि अभी रिसेंटली संजीव बनर्जी, जो कि जनवरी में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया बाय द कोलेजियम सिस्टम, बाय द सीजीआई, टू द मेघालय हाई कोर्ट। और अच्छा, अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इशू बना क्यों? इशू इसी वजह से बना क्योंकि जब मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट इज अ 72 जज हाई कोर्ट, वहां पर 72 जजेस हैं। और वहीं हम मेघालय की बात करें तो मेघालय, वहां पर सिर्फ 4 जजेस हैं और वहां पर केसेस जो हैं वो भी बहुत कम आते हैं। तो आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन को, जो कि सीज रहा है मद्रास हाई कोर्ट का, इतने बड़े कोर्ट का, तो आपको तो उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, आपको ऐसे हाई कोर्ट में भेजना चाहिए जहां पर वो सही तरीके से चीजों को मैनेज कर सके, बड़े हाई कोर्ट भेजना चाहिए जहां पर बर्डन ज्यादा हो। आप इलाहाबाद भेजते, आप बॉम्बे हाई कोर्ट भेजते, आपने उसको मेघालय भेज दिया इतना छोटा। तो ऑथर का कहना है ये तो हमें लगता है ये प्रॉपर तरीके से कोलिजियम सिस्टम ने फेयर तरीके से काम नहीं किया और संजीव बैनर्जी को पनिशमेंट दी है। दिस ट्रांसफर इज अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ फेयर डिसीजन बाय द कोलिजियम सिस्टम, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन बाय द सीजीआई। तो ऑथर ने बताया कि देखो, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये 2019 में भी हुआ था जब मद्रास हाईकोर्ट की सीजे रही और सबसे ओल्डेस्ट सीजे, मतलब सीनियर मोस्ट सीजे, जिनका नाम था विजया के तहिल रमानी, विजया के तहिल रमानी, उनको भी मद्रास हाई कोर्ट से शिफ्ट कर दिया था मेघालय हाई कोर्ट। और उस समय वो कंट्री की सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज थी, किसी कितने भी हाई कोर्ट जोड़ लो, सबसे सीनियर मोस्ट सीजे थी वो। लेकिन तब भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी कोलिजियम सिस्टम ने उनके इस ट्रांसफर की। और जब हम बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की, तो कोलिजियम सिस्टम के पास राइट है ना, कोलिजियम सिस्टम के पास राइट है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको कहां और किस जज को ट्रांसफर करना है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, बट जब हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस कब कर सकता है? वो तब कर सकता है जब उसका जो टेन्योर है इन दी हाई कोर्ट वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा हो। बल्कि जब जब भी हम बात करते हैं ना कि हाई कोर्ट में सीजे को ज्यादा टाइम देना चाहिए, उसका टेन्योर जो है लंबा करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से और इफेक्टिव तरीके से फंक्शन कर पाएगा और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर पाएगा इन दी हाई कोर्ट, अगर उसको हमने लॉन्ग टर्म दिया। लेकिन संजीव बनर्जी को 10 मंथ के अंदर ट्रांसफर कर दिया और एक छोटे कोर्ट में, छोटे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया। तो एक लेजिटिमेट क्वेश्चन अराइज होता है, एंड द क्वेश्चन वाज वेदर देयर वाज सफिशिएंट रीजन टू ट्रांसफर द इनकम्बेंट। क्या उनके पास सफिशिएंट रीजन था कि संजीव बनर्जी को वो ट्रांसफर कर सके, क्योंकि उनका टर्म तो बड़ा नहीं रहा, उनका टेन्योर भी इतना लंबा नहीं रहा। और आप कब ट्रांसफर करते हो? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, तब आप किसी चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करते हो।
तो क्या आपके पास ऐसे रीजन थे जिससे ये प्रूव हो सकता है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो पा रहा था इन द टेन्योर ऑफ संजीव बनर्जी? देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली और बाय लीगली तो हम नहीं पूछ सकते, और ना ही बेसिकली कोलिजन सिस्टम बेसिकली कोलिजन सिस्टम बेसिकली उनको पुश कर सकते हैं कि आप रीजन बताइए, बट कोलिजन सिस्टम को ये चीजें पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें पब्लिक नहीं करी, अगर उनके पास सफिशियंट रीजन भी है, तब भी कोलिजन सिस्टम की एक नेगेटिव इमेज बनेगी और लोग कोलिजन सिस्टम में ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग फिर यही बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए, जो कि फिर तुम्हारा फिर से केस बनेगा, 4 जज केस बन जाएगा, तो हमेशा 3 जज केस बना रहा। और इंडिया की और इंडियन जुडिशियल की बात करें, इंडियन जुडिशियल का जो पास्ट रहा है, उसकी इंडिपेंडेंसी का जो पास्ट रहा है वो बहुत खराब रहा है। उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल रहता था आपका, फॉर द ट्रांसफर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फाइनली थर्ड सेकेंड जज केस में कोलिजन सिस्टम जब बना उस चीज से हटा, और थर्ड जज केस में स्ट्रेंथन हुआ। 2014 में हटाने की बात भी की गई थी, और हटाया भी गया था बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब एनजीएसी बना दिया गया था और लॉ ऑफिशियल्स और टू एमिनेंट जूरिस्ट इंक्लूड कर दिए गए थे कोलिजन सिस्टम में, उस ग्रुप में, नॉट कोलिजन सिस्टम, उस ग्रुप में। लेकिन फिर उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो उसी को लेकर ऑथर का कहना है कि भाई अगर कोलियन सिस्टम ऐसे वर्क करेगा ना, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा कोलियन सिस्टम के ऊपर। तो एक प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए, जो वीकनेस है कोलियन सिस्टम में उस वीकनेस को हटाना चाहिए, उस वीकनेस पे स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये बेसिकली ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है, दैट इज अबाउट मोर अ प्राइवेट सेक्टर प्राइमर देन अ हेल्थ केयर पाथवेज। अब ये है क्या? देखो ऑथर का कहना है कि जब हम बात करते हैं, तो अभी इंडिया में आयुष्मान भारत के थ्रू एक नई स्कीम लॉन्च हुई, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, दैट एंड द नेम ऑफ द स्कीम इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और जो इस स्कीम का जो एम है वो यही है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करेगा अप टू 5 लाख पर फैमिली पर एनम, ये है। एंड दिस स्कीम विल बेनिफिट 50 करोड़ पीपल, ये बेसिकली ऑथर ने बताया। अब हम आगे बात करें, तो अब सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू क्या है? इशू इज अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर है। तो अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब कि सबको फ्री में हेल्थ मिल जाए, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, तो उसके लिए सबको इंश्योरेंस कवर देना पड़ेगा, पहला पॉइंट। तो उसके लिए हुआ क्या, रिपोर्ट एक सर्वे किया गया, और सर्वे में यह पता लगा कि देखो दो लोग, तीन तरीके के लोग होते हैं, एक पुअर, एक मिडिल क्लास, और एक अफ्लुएंस पीपल, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं रिच पीपल, जिनको हम बोल सकते हैं रिच पीपल। तो एक पुअर पीपल और रिच, देखो पुअर पीपल के लिए तो भाई कौन है, पुअर पीपल के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है। रिच पीपल वो खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि वो खुद इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ के बर्डन को सफर भी कर सकते हैं। बट जो एक सैंडविच में जो बीच के जो लोग रहते हैं, आपका मिडिल क्लास के लिए आप क्या कर रहे हो, ना ही वो गरीब है ना ही वो अमीर है। तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उस रिपोर्ट पे ये एडिटोरियल लिखा गया, और वो रिपोर्ट का नाम क्या था, रिपोर्ट गिवन बाई दी नीति आयोग, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल। तो जो जो छूट गए हैं, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला, उनको टर्म दिया क्या, मिसिंग मिडिल दिया। और यही बताया गया कि देखा जाए तो मिसिंग मिडिल को क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब, जैसे कि पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और अपना आपका एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो वही चीज हेल्थ इंश्योरेंस में भी होना चाहिए कि सारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि काम करते हैं, उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम एम्प्लॉयर भी भरेगा और एम्प्लॉय भी भरेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू सामने आया, फिर आगे ऑथर ने बताया किसका, इन पेशेंट केयर। अब इन पेशेंट केयर की हम बात करें तो इन पेशेंट केयर और आउट पेशेंट केयर, इन पेशेंट केयर का मतलब होता है जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और जिनको बहुत बड़ी बीमारी है, जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और उन पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है ना। जैसे किसी को कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भाई लाखों रुपए लगेंगे। किसी को बेसिकली कोई
नर्व की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो भाई उसमें हॉस्पिटलाइज होगा वो, ज्यादा पैसे लगेंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो, मतलब एक होता, अब तुमने सुना होगा बेसिकली ओपीडी, अगर कभी हॉस्पिटल गए हो तो ओपीडी सुना होगा। तो ओपीडी क्या है, ओपीडी जाते हो पहले आप कार्ड बनवाते हो वहां पर, फिर आपको एक डॉक्टर असाइन होता है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो। तो ओपीडी आप कब जाते हो, जब आपको जुकाम होता है, बुखार होता है, या नॉर्मल छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एक होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर किसी एक्सीडेंट हुआ तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज होता है, वो ओपीडी नहीं जाता, तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। तो देखा जाए तो इन पेशेंट केयर में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस में जो इशू आ रहा है, वो इशू ये है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं। जब इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या एग्री करेंगे, और आप कितनी एम्प्लॉयर को अबाइड करोगे कि भाई आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है किसमें, इन पेशेंट केयर में। आउट पेशेंट केयर में ऑथर ने बताया कि देखो, आउट पेशेंट केयर में जो रिपोर्ट ने बताया, रिपोर्ट ने यही बताया कि देखो आउट पेशेंट केयर, देखो आउट पेशेंट से जो फंड आता है, या आउट पेशेंट में जो पैसा खर्च होता है हॉस्पिटल्स में, वो सबसे ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, अगर इन पेशेंट से हम कंपेयर करें। क्योंकि लोगों को एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बट लोगों को बुखार ज्यादा होता है, लोगों को जुकाम ज्यादा होता है। तो एक जुकाम में वो कम से कम 5 रुपए खर्च कर देते हैं। तो अगर एक एक्सीडेंट, अगर हम कंपेयर करें 50 जुकाम से, तो 50 जुकाम का खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ज्यादा जाते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट तो जिनकी जिनको ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, या जिनके साथ कुछ गलत हो जाए, वही जाते हैं जिनको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो। तो रेवेन्यू जो जनरेशन है और फाइनेंशियल बर्डन जो है, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओपीडी से लोगों के ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। तो ऑथर का वही कहना है कि देखो, हम बात करें तो रिपोर्ट ने यह बोला कि एनुअली 5,000 रुपए का हम लोग कवरेज देंगे, और उतना ही प्रीमियम हर सिटीजन को पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आउट पेशेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट हटा दो, लेकिन हाँ, जो मेजर हॉस्पिटलाइजेशन वाली बात है, इन पेशेंट केयर की बात है, उसमें हॉस्पिटल, उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए, ये ऑथर ने बताया। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज। सो हम नेशनल न्यूज की बात करें तो नेशनल न्यूज में क्या है, पहली जो न्यूज है, पहली न्यूज इज अबाउट, फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ग्लासगो पैक्ट को लेकर है। सो हुआ क्या, इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगे, इंडिया के ऊपर एलिगेशन क्या लगे, हुआ क्या कि इंडिया के ऊपर एलिगेशन ऐसे लगे कि इंडिया के ऊपर यह बोला गया कि भाई इंडिया की वजह से जो कोल का जो कॉन्सेप्ट था ग्लासगो पैक्ट में, कि हम कोल को फेज आउट कर देंगे, वो फेज आउट से फेज डाउन में आ गए। लेकिन इंडिया ने खुद बोला नहीं भाई, इंडिया ने उन एलिगेशन को हटाया, उन्होंने बोला कि भाई, रिफ्यूट किया उन एलिगेशन से, उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा नहीं है। फाइनल ड्राफ्ट जो बना था, फाइनल ड्राफ्ट में यूएस और चाइना ने बोला था कि हम फेज डाउन से फेज आउट से फेज डाउन को फेज डाउन लेके आ रहे हैं कोल के सेक्टर में। हाँ, इंडिया का उसमें बेनिफिट है, लेकिन इंडिया की वजह से अकेला नहीं हुआ, चाइना और यूएस ने फाइनल ड्राफ्ट में यह बात बोली। आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हो, वो गलत है। अब ये चीज इस वजह से हुई है क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने खुद बोल दिया था कि इंडिया की वजह से कोल जो है वो फेज डाउन, फेज आउट से फेज डाउन में आ गया। तो इसी के चलते इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगे, बट इंडिया ने बोला कि नहीं, ग्लासगो पैक्ट में हमारा अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, उतना ही चाइना का था और उतना ही यूएस का था। मूविंग फर्दर, सो कल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के कुलगम डिस्ट्रिक्ट में 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बताया। तो अब ये सारी चीजें होती रहती हैं, दिस इज व्हाट इंटरनल डिस्टरबेंसेस, ये है इंटरनल डिस्टरबेंसेस। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि कल श्रीनगर में जो बेसिकली काउंटर एनकाउंटर में लोगों को मारा गया बाय दी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उसमें 2 सिविलियंस की डेथ भी हुई। तो उन 2 सिविलियंस के लोगों का यही कहना है कि आप हमें बॉडी को रिटर्न दे दो, और रिटर्न के साथ साथ हमें ये बताओ कि उनके क्या लिंक थे मिलिटेंट्स के साथ, आप वो प्रूफ करिए पहले। मूविंग फर्दर, सो अभी झांसी में बेसिकली 3 डे प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रीय रक्ष समर्पण पर्व। तो 3 दिन का यह प्रोग्राम है, जिसमें हमने पढ़ा भी था कि वो मोदी जी 19th को आएंगे, और वो
लाइट कॉम्बैट, इंडिजीनियस बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ट्रांसफर करेंगे इंडियन एयरफोर्स को, उसके साथ साथ जो इंडिया की इंडिजीनियस बिल्ट सबमरीन है, सबमरीन नहीं बेसिकली डिस्ट्रॉयर है और कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी हैंड ओवर करेंगे इंडियन नेवी को. तो एक तरीके से बहुत बड़ा डिफेंस का एक प्रोग्राम चल रहा है झांसी में 3 दिन तक, वो 19th को कंप्लीट हो जाएगा. और वही कल राजनाथ सिंह तो कल ही आ गए थे, और राजनाथ सिंह ने बेसिकली एनसीसी के कैडेट से मिले, वुमेन कैडेट से मिले, और यही चीज बोला कि नाउ हम लोग इतना ओपन हो चुके हैं, हम लोग इतना डिफेंस में जो पहले था कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड, और अब डिफेंस में परमानेंट कमीशन भी है वुमेन्स के लिए, तो अब डिफेंस में वुमेन के लिए एक और कैरियर प्रोस्पेक्ट जुड़ गया. ये बेसिकली ऑथर ने बताया. उन्होंने बोला कि सारे दरवाजे जो मिलिट्री के लिए थे, मिलिट्री के जो थे वो वुमेन्स के लिए सारे दरवाजे खोल चुके हैं. मूविंग फॉरवर्ड, वही हुआ जिसके लिए ऑर्डिनेंस आया था, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को 3 साल का और एक्सटेंशन मिलने की बात, मतलब टोटल 5 साल का टेन्योर हो सकता है उनका. तो वही संजय कुमार मिश्रा जो कि बेसिकली ईडी के डायरेक्टर थे और उनको ऑलरेडी 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका था, फाइनली कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है एज अ ईडी चीफ. मूविंग फर्दर, सो इंडिया ने यही बोला है कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है. अब जरूरत इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट जो हैं उनके पास फ्री पासेस हैं, तो हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है, और पाकिस्तान से टॉक होगी, और हम फ्यूचर में जब टॉक करेंगे तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि भाई आप टेररिस्ट को जो फ्री पासेस देते हो वो फ्री पासेस आप बंद कर दीजिए. मूविंग फर्दर, सो ऑन 6th of December इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 मीटिंग होगी, डायलॉग होगा. अब 2+2 का मतलब कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे. मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो कल इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के हेल्थ सेक्टर में एक बहुत अच्छी चीज हुआ ये कि जिनकी द परसेंटेज ऑफ द पीपल जिनको एक सिंगल डोज लगा है एंड द परसेंटेज ऑफ द पीपल जिनको डबल डोज लगा है, तो द परसेंटेज ऑफ द पीपल जिनको डबल डोज लगा है वो बढ़ गए, और जिनको सिंगल डोज लगा था वो डिक्रीज हो गया. इसका मतलब ये है कि अब लोग जो है वो अपना सेकेंड डोज लगवा रहे हैं, ये चीज सामने आई. ओके, मूविंग फर्दर, सो एमपी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, एंड आई एम फेवर ऑफ दिस इनिशिएटिव. उन्होंने बोला कि राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा रखे हों, जो पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड हो उन्हीं को राशन दिया जाएगा, जो अनवैक्सीनेटेड है या जिन्होंने जो कि हाफली वैक्सीनेटेड है उनको राशन राशन नहीं मिलने वाला. ये एमपी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है. मूविंग फर्दर, सो कैबिनेट ने बोला है कि अराउंड 7,287 विलेजेस में वो लोग मोबाइल सर्विसेज देंगे, फ्री मोबाइल सर्विसेज देंगे. और प्रोजेक्ट इज अबाउट कि 4G सर्विसेज जो है वो 5 states में पहुंच जाए. सो अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जो पेलेनियम था उसमें जो रेजोल्यूशन था, जिसके रेजोल्यूशन के थ्रू जो जी जिनपिंग है उनका थर्ड टेन्योर बढ़ जाएगा और उनकी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी अब, तो उसमें यही बताया गया कि इस रेजोल्यूशन में जी जिनपिंग ने पीएलए के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल कर लिया. कैसे कंट्रोल किया? अब कंट्रोल ऐसे किया कि बॉर्डर एरिया के डिस्प्यूट पर अब डायरेक्टली जो ऑर्डर है वो जी जिनपिंग की तरफ से आएंगे. मूविंग फर्दर, सो तालिबान ने अपील की है यूएस के कांग्रेस से कि भैया आपने अफगानिस्तान के अराउंड $9.5 बिलियन के एसेट्स को जो सीज कर रखा है, फ्रोज कर रखा है, वो आप उसको दे दो, क्योंकि भाई अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, तो आप प्लीज जो आपने सीज कर रखा है, जो आपने फ्रीज कर रखा है हमारा एसेट, अफगानिस्तान का एसेट, वो प्लीज आप रिलीज कर दो, नहीं तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे. ये कहना है तालिबान का टू दी यूएस कांग्रेस. मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.